हेलो हाय फ्रेंड, आप सभी को नमस्कार। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ इन 3 दिनों के बारिश में। लेकिन बहुत परेशान भी हूँ क्योंकि मेरा पीने का पानी भी ख़त्म हो चुका है और अभी तक लाइट नहीं आया है। मतलब मेरा घर में और बाकी लोगों के घर में तो आ चुका है, शायद मेरा घर में क्यों नहीं आ रहा है, शायद तार हिल चुक गया होगा। शायद मेरा घर में जो हम लोग घुस आए हैं वो वाला तार, तो अभी उसको ठीक करेंगे और पानी उनी भरेंगे। और क्या बताएं, इन 3 दिनों के बारिश और तूफान के कारण से मेरा फ़ोन एक भी चार्ज नहीं था, तो मैं वीडियो भी नहीं बना पाई। तो आज किसी का घर में मैं अपना फ़ोन चार्ज करवाई हूँ, तो सोचा कि छोटा सा वीडियो डाल दूं आज। वैसे तो मैं सुबह में वीडियो अपलोड करती हूँ, लेकिन आज मैं शाम को वीडियो अपलोड करूँगी। और अभी का समय है 3 बज रहा है, मतलब 3 बज चुका है, तो मैं अभी वीडियो शूट कर रही हूँ। तो चलिए थोड़ा सा दिखा देती हूँ आप सभी को मेरा घर का हालत। मेरा घर का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है क्योंकि आंधी और तूफान बारिश के कारण पूरा घर, मेरा घर का जो दीवार है वो गीला हो गया है। और 2-3 दिन बारिश होता ना तो मेरा दीवार शायद टूट जाता, क्योंकि मिट्टी से जुड़ाई किए हुए हैं जो ईटा और मिट्टी से, तो वो गीला हो जाने के कारण मिट्टी का दीवार का क्या भरोसा। लेकिन भगवान जी भी देखते हैं ना, ऐसे किसी का घर को थोड़ी ना गिरा देंगे। और आज तो थोड़ा सा मौसम सही है, थोड़ा थोड़ा धूप भी निकला हुआ है। और 3 दिन तो बिल्कुल भी धूप नहीं था, और धूप तो क्या 10 मिनट भी बारिश नहीं रुक रहा था, तो क्या कर सकते हैं। और आजकल गर्मी का सीजन चल रहा है, लेकिन लगता नहीं कि आजकल गर्मी का मौसम है। अभी तो मतलब बरसात बारिश का मौसम जैसे लगता है, धान सब अब रोप रहे हैं जैसे लगता है। बारिश को देख करके पूरा खेतों में नदियों में पूरा पानी भर चुका है। तो चलिए थोड़ा सा अपना घर का नज़ारा जो है दिखा देती हूँ, जो दीवार का हालत आप सब भी देख लीजिए हमारे इधर कितना बारिश हुआ और किन के तरफ बारिश हुआ इस 3 दिन आज छोड़ के पहले, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। हमारे इधर तो बहुत तेज बारिश हुआ है। तो चलिए, तो फ्रेंड देख सकते हैं इधर बारिश का नज़ारा मैं आप सभी को दिखाई दे रही हूँ। और उतना ज़्यादा तो बारिश नहीं हो रहा था, मतलब थोड़ा ही थोड़ा हो रहा था, लेकिन दिन और रात बराबर। इसी वजह से मेरा घर का हालत जो है बहुत ही ख़राब हो चुका है। और देख सकते हैं बादल कितना अंधेरा दिख रहा है। और देख सकते हैं इधर मेरा घर, जो इसमें सीमेंट और बालू का मतलब यूज नहीं किया गया है जोड़ने समय, तो मैं इसको मिट्टी से ही पुताई की थी। और जो मिट्टी होता है सफ़ेद वाला, उसी से इसका मैं पोचड़ा भी की थी। तो देखिए किस तरह से ऊपर तक मतलब गीला हो गया है, एक ही सेट का हुआ है सारे मतलब, और बाकी साइड का नहीं हुआ है। और नीचे साइड से ऊपर जा रहा है, और
वो मिट्टी भी पपड़ी की तरह नीचे गिर रहा है, और पानी को देखिए नीचे झरनों की तरह। और देखिए इधर पूरा गीला हो चुका है। पहले ऐसे नहीं था, पर ये गीला होने के बाद ही ये गिर रहा है उचड़ उचड़ करके। तो देख सकते हैं, मैं बाहर का भी थोड़ा सा दिखा दी। मेरे घर के सामने जो रोड है ना, उसमें अधिकतर ट्रक गाड़ी ही चलती है, बस वगैरह कुछ भी नहीं चलती है। मतलब फालतू गाड़ी सब चलती है, पर बस नहीं चलती है। तो ठीक है फ्रेंड, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और तब तक के लिए मिलती हूँ अगले वीडियो में। तो फिर ठीक है, बाय बाय, और अपना ख्याल रखिएगा और सुरक्षित।